संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, अब ये अर्जी इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि ऐसी अर्जी पहले भी 16 विधायकों के निलंबन की पड़ी हुई थी, जिस पर आगे 11 तारीख के लिए बोला गया था अब यथास्थिति बनी रहेगी। इसमें क्या खास बातें हैं और उस अर्जी को देखने के बाद ये अर्जी पर आज क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज, क्या संभावनाएं दिख रही है? संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, शिवसेना एक बार फिर कोर्ट पहुंची है, अयोग्यता पर फैसला होने तक फ्लोर टेस्ट रोक दिया जाए। तो जो 16 विधायकों के निलंबन की बात है, उसमें एकनाथ शिंदे का भी नाम है और ये कहा जा रहा है कि इनका निलंबन हो। ये याचिका पहले भी कोर्ट के सामने रखी गई थी, जिस पर कोई भी फैसला करने से कोर्ट ने मना किया था, यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। और अब एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा शिवसेना की तरफ से खटखटाया गया है और ये कहा गया है कि 16 बागियों के खिलाफ ये निलंबन का जो पूरा मामला है, फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। जब कोर्ट की तरफ से यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई है, तो जब तक उस अर्जी पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक यहां फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सीधे तौर पर एक बार फिर से शिवसेना ने अपनी तैयारी की, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इससे पहले भी जो पूरा मसला था वो कोर्ट में पहुंचा था और वहीं से ये बात कही गई थी कि फ्लोर टेस्ट होगा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। कल बड़ा घटनाक्रम ये, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा है। 16 बागियों को सदन की कार्यवाही से रोकने के लिए ये अर्जी दी गई है। जो शिवसेना की तरफ से अभी चीफ व्हिप है सुनील, उनकी तरफ से बकायदा ये याचिका कोर्ट के सामने रखी गई है। 10:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, उस पर भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस अर्जी में खास तौर पर क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि अगर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है अपनी पुरानी जो याचिका जिस पर सुनवाई चल रही थी, तो आखिरकार अब फ्लोर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले बताइए, सुनवाई कितनी देर में शुरू होगी या शुरू हो चुकी है? सुनवाई हो गई और खत्म भी हो गई, क्योंकि सुनवाई में ये हुआ कि कपिल सिब्बल ने मेंशन किया मामला और उन्होंने कहा कि अभी तक क्लियर कट डिवीजन नहीं हुआ है, वो अभी तक शिवसेना के साथ हैं। ऐसे में ये बहुत मुश्किल है कि ये डांस और डेमोक्रेसी नहीं है, लिहाजा इस पर कोर्ट को फैसला करना चाहिए, क्योंकि किसके व्हिप का पालन करेंगे वो, इसका कोई अभी तक तय नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो 11 तारीख को एग्जामिन करेगा और अभी वी आर नॉट शटिंग आवर आईज, हम अपनी आंखें बंद नहीं किए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 तारीख को जब हम सुनवाई करेंगे तो हम इन सब बातों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर संजय आप ये कह रहे हैं कि सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई खत्म भी हो गई। अगर पॉइंटर्स के तौर पर आप बताइए क्या क्या हुआ इसमें, क्या 11 तारीख तक ही इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट अभी भी यही कह रही है? और फ्लोर टेस्ट को लेकर बताया कि कपिल सिब्बल ने इस मामले को मेंशन किया और उन्होंने कहा कि 29 तारीख को कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति बहाल रहेगी और अभी तक किसी तरह का कोई मर्जर नहीं हुआ है बाकी विधायकों का, तो ऐसे में कोई क्लियर अभी तक क्लियर नहीं है कि व्हिप किसके व्हिप का वो पालन करेंगे, किसका व्हिप वहां पर माना जाएगा। तो और शिंदे इसमें पार्टी नहीं है, ईसीआई को इसमें डिसाइड करना पड़ेगा और ईसीआई के पास जाएंगे, ये डिसाइड ईसीआई करेगा कि पार्टी पर किसका अधिकार है। फिलहाल ये एक्स फेशी वायलेशन है और इसको कोर्ट को देखना चाहिए, ये प्रथम दृष्टया वायलेशन है। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट डांस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि हम इसको 11 तारीख को जब हम सुनेंगे तो हम इसको एग्जामिन करेंगे और इस बीच में हमने अपनी आंखें बंद नहीं कर रखी हैं। तो संजय, फिर क्या सूरत दिख रही है, फ्लोर टेस्ट की सूरत क्या? अब ये बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 तारीख को ही सुनवाई करेगा और उसी दिन ये तय करेगा कि आखिर वोटिंग का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो ऐसे में अभी तक कोर्ट ने इसमें रोक नहीं लगाई है कि 11 तारीख तक किसी भी तरह की का बहुमत परीक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस बीच में ही बहुमत परीक्षण, जैसा कि यह है कि 3 और 4 तारीख को बहुमत का परीक्षण होगा, तो उसे देखते हुए ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कोर्ट इसमें आगे क्या चाहता है। नहीं, यानी जो बाकी विधायक है वो वोट कर पाएंगे जब भी ये परीक्षण होगा, संजय? जी हाँ, बिल्कुल सारे विधायक वोट कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिल्कुल साफ है कि शिंदे फैक्शन को
सेक्शन को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने उनके बहुमत परीक्षण में जाने पर या बहुमत परीक्षण ना कराने पर कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन संजय ये भी है कि अब अगर यहाँ पर ही पहले ही शक्ति परीक्षण हो जाए, फ्लोर टेस्ट पहले ही हो जाता है, तो सूरत क्या बनती है? क्योंकि अभी कोर्ट ने ये भी नहीं कुछ ऐसी क्या जानकारी है कुछ कहा कि 11 तारीख तक फ्लोर टेस्ट ना हो? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ एक लाइन में कोर्ट ने अपने मंशा साफ कर दी कि हम 11 तारीख को, आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं उसे हम 11 तारीख को कंसीडर करेंगे, 11 तारीख को सुनेंगे और हम पूरी स्थिति पर हमारी भी निगाह है, तो हम ये तय करेंगे 11 तारीख को कि वोटिंग का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। पहले संजय हो जाता है क्योंकि उस पर भी रोक नहीं लगाई, ये भी नहीं कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 11 तारीख को लिहाजा गो अहेड है महाराष्ट्र की नई सरकार के लिए कि वो चाहे तो बीच में शक्ति परीक्षण करा सकती है और बहुमत का परीक्षण करके और सरकार को आगे बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को इस मामले में डिसाइड करेगी।